बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हाउ आर यू बेटा? पेज नंबर 21 है, क्लास 8, आपका लेक्चर नंबर है बेटा 7। तो बेटा पौधे के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने सीड्स एंड फ्रूट्स सब पढ़ लिया ना, उसका रिमेनिंग पार्ट है बेटा ये वाला पेज नंबर 21 पे। थोड़ा सा चार तस्वीरें आसान आसान सी हैं और आसान आसान से चार क्वेश्चन जो छोटे छोटे से हैं, तो आप उसको ईजिली आप कर भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। मैं आपको रीड कर देता हूँ, ठीक है। डिफरेंट वेज थ्रू विच सीड्स आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड बेटा हमने पढ़ लिया था कि पोलिनेशन के थ्रू किस तरह स्कैटर्ड हो रहे हैं। इसी तरीके से बीज भी क्या होते हैं, बीज भी एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, स्कैटर्ड फैल जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले पिक्चर आप देख रहे हो बेटा, टफ्स ऑफ एयर कैचेस द विंड्स लाइक अ पैराशूट। बेटा आपको पौधा आपने देखा एक पत्ता अक्सर उड़ता भी रहता है, छोटा सा बीज होता है और उसके पीछे क्या होते हैं बेटा, सफेद सफेद से पर से बने होते हैं जो हवा में उड़ता फिरता रहता है, आप वो पकड़ के उसको उड़ाते भी हो। तो बेटा ये गुच्छा से जो होता है इसको देखिए ना, टफ्स टफ्स ऑफ एयर कैचेस द विंड्स, वो क्या करते हैं हवा को पकड़ कर लेते हैं और किस तरह काम करते हैं, लाइक अ पैराशूट। पैराशूट आपको पता है बेटा, जो हवा में जैसे कि छलांग लगाने के लिए हवा के दबाव की वजह से वो उड़ता है इंसान, या कोई भी जहाज से छलांग लगाने के लिए भी पैराशूट यूज होता है हवा के दबाव की वजह से। तो यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, ये पैराशूट की तरह काम करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके बाद बेटा सम सीड्स आर स्कैटर्ड बाय द एनिमल्स, कुछ बीज क्या होते हैं बेटा पोलिनेशन की तरह किसकी तरह उड़ जाते हैं, एनिमल्स के जरिए स्कैटर्ड होते क्या होते हैं बेटा, उनमें हुक्स बनी होती है बीज के ऊपर क्या होती है बेटा, इस तरीके से हुक्स बनी होती है, ठीक है। वो क्या होता है जैसे कोई एनिमल कोई परिंदा कोई जहाँ बैठता है तो उसको क्या करते हैं बेटा, ऐसे हुक से उनके जिस्म से उनके परों से अड़ जाते हैं, लटक जाते हैं, और जब फिर कहीं और जाते हैं तो वहां पर क्या होते हैं वो गिर जाते हैं। इसके बाद बेटा बीन जो हमने पढ़ा था, पॉड्स ऑफ बीन्स ये क्या होते हैं कि इफ लेफ्ट टू ड्राई आउट, जैसे मटर हम छीलते हैं अगर उनको छीलते हैं निकाल लेते हैं खा लेते हैं, अगर हम उनको नहीं खाएंगे उनको खुश्क रखने के लिए छोड़ देंगे, जैसे बली पॉड्स ऑफ बीन्स मटर के और बीन्स लोबिया के, अगर हम उनको खुश्क करने के लिए छोड़ देंगे स्टनली ब्रस्ट ओपन, ब्रस्ट बेटा एक धमाके से क्या करेंगे वो खुल जाएंगे, उनकी जो खली है ऊपर से वो क्या हो जाएगी ऐसे धमाके से खुल जाएगी, और धमाका जैसे ही होगा वो अचानक से क्या होगा उनके अंदर जो बीज होते हैं बेटा, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो प्रेशराइज बनते हैं, उनके दबाव बनते हैं और वो धमाके से ऐसे खुलते हैं, जैसे खुलता है वो बीज धमाके से जोर से बाहर की तरफ उछल कर निकलते हैं और पौधे से दूर दूर गिर जाते हैं, ठीक है। इफ लेफ्ट ड्राई आउट द पॉड्स ऑफ बीज एंड बीन्स स्टनली ब्रस्ट ओपन थ्रोइंग द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, थ्रोइंग द सीड्स फैल देना फेंक देना पेरेंट प्लांट से दूर तक उनको फेंक दिया जाता है, दिस इज ड्यू टू द स्ट्रेस, ये उनके अंदर जो बीजों का दबाव स्ट्रेस दबाव होता है डैट बिल्डअप इन द वॉल जो कि दीवारों पर बना होता है ऑफ द पॉड, इट इज ड्राइज आउट, जिसकी वजह से वो खुश होने की वजह से उस पर दीवारों पर दबाव बन जाता है। बेटा आसान से एग्जांपल आप देखते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हो, ठीक है, उसमें हवा भरती अगर उसको आप दबाते हो दबाव बनता है तो वो क्या होता है बाजू का फट जाता है और हवा का बहुत ज्यादा झोंका सा आपको फील होता है। इसी तरीके से बीन के अंदर क्या होता है, वो बीज होते हैं ऐसे ऐसे बीज होते हैं, वो क्या होते हैं दबाव बनाते हैं दीवारों के ऊपर, जैसे जैसे खुश्क होता है वो दबाव बनाते हैं, दबाव बनाने के बाद वो एक धमाके से ऐसे खुल जाते हैं और बीज जोर जोर से इधर उधर फैल जाते हैं। इसके बाद नट्स अखरोट वगैरह जो होते हैं लाइक बीज एक्रॉन्स बलूत का फल, एक्रॉन्स बलूत का फल होता है, आर कैरीड अवे बाय द स्क्वायरल्स विच यूजली बरी देम एंड फॉरगेट वेयर दे आर। बेटा ये अब छोटी सी कहानी है कि क्या होता है जी, वो जो होती हैं गिलहरियाँ होती हैं वो उसको बीजों को क्या करती उठाती हैं खाने के लिए उठाती हैं, उनको छुपा देती हैं जमीन में और जमीन में छुपाने के बाद भूल जाती हैं और वहीं पर क्या होता है फिर वो बड़े होने पौधे बड़े हो जाते हैं। टेस्ट योरसेल्फ बेटा, आसान सा टॉपिक है बेटा आपका, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस, फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था बेटा पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन जब पोलन ग्रेन्स के न्यूक्लियस ओव्यूल्स के न्यूक्लियस से निकले हैं, द फ्लावर्स फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा हमने पढ़ा था, फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा मुरझा जाते हैं हमने पढ़ लिया और वो डेड हो जाते हैं, द फ्लावर्स विदर एंड डाइज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल में क्या होता है बेटा, ओव्यूल्स ओवरी में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है, द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स ग्रो इनसाइड द ओवरी अंटिल इट डेवलप्ड इनटू अ सीड, वो एक बीज बन जाते हैं। द ओवरी वॉल, ओवरी वॉल क्या होती है, द ओवरी वॉल ग्रोज टू फॉर्म द रूट, ओवरी वॉल क्या होती है
है बेटा फ्रूट फल में तब्दील हो जाती है। क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है, डिस्क्राइब, ये हमने कल पढ़ा था बेटा, ये वहां पर पढ़ा था कि ईच सीड कंटेन्स एनी एम्ब्रियो प्लांट टुगेदर, और उसके बाहर क्या होती है बेटा, एक जिल्द होती है जिसको क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, और एम्ब्रियो क्या होती है बेटा, दो हिस्से होते हैं उसके, एम्ब्रियो शूट, ठीक है, और एम्ब्रियो रूट। ठीक है, ये दो हिस्से होते हैं, एम्ब्रियो शूट और एम्ब्रियो रूट। रूट एम्ब्रियो की जड़ बनती है, एम्ब्रियो शूट उसका तना बनता है। व्हाट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सीड, बीज का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है बेटा, ये हमने पढ़ लिया था, बीज का सबसे बड़ा हिस्सा होता है बेटा जो उसका खुराक होती है। द बिगेस्ट पार्ट इज द फूड, द फूड स्टोर, दिस इज नीडेड टू प्रोवाइड द फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट अंटिल इट कैन मेक इट्स ओन बाय द फोटोसिंथेसिस। जब तक वो पौधा बड़ा नहीं होता, एम्ब्रियो उसके पत्ते नहीं आते, पत्ते का काम क्या होता है बेटा, सूरज की रोशनी में खुराक को बनाना है। जब तक वो खुराक बनाने के काबिल नहीं होता, जो बीज के अंदर खुराक होती है, पढ़ लिया था जैसे ये अगर बीज है, यहाँ पर क्या था बेटा, वो एम्ब्रियो होता है किस तरीके से, और बड़े यहाँ पर क्या होती है बेटा, उसकी शूट होती है, और यहाँ पर क्या था उसके अंदर, ये फूड होती है उसकी। जब तक ये बड़ा होके ऊपर निकलता है, इसके पत्ते नहीं आते बेटा, तब तक क्या होता है बेटा, ये वाली खुराक होती है यूज होती है। व्हाट आर द सजेस्ट रीजन फॉर दिस, ये हमने पढ़ लिया। गिव एनी रीजन व्हाई इट इज गुड टू हैव सीड्स स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, गिव थ्री वे इन विच सीड्स कैन बी स्कैटर्ड। बेटा तीन तरीकों से कैसे हमने पढ़ लिया था। अच्छा, गिव द एनी रीजन व्हाई गुड हैव सीड्स स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, बेटा पेरेंट प्लांट से बीजों को दूर दूर फेंका जाता है बेटा, ताकि अगर बीज वहीं पर गिरते रहेंगे तो वहीं पर डूबते रहेंगे, और वो एक जगह पर क्या हो जाएंगे, ओवर क्राउड हो जाएंगे, उनका हजूम अच्छा सा बन जाएगा। जब वो एक जगह पर होंगे, उनको ना तो खुराक सही तरीके से जमीन से मिल सकेगी, ना वो इकट्ठे होंगे तो सूरज की रोशनी भी सही से नहीं पहुंचेगी, और वो खुराक भी नहीं बना सकेंगे। ठीक है, इसलिए वो बीजों को क्या करते हैं, थ्रो अवे द पेरेंट प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद गिव द थ्री वे इन विच सीड्स कैन बी स्कैटर्ड। ठीक है, तीन तरीके से कौन कौन से होते हैं बेटा, हमने पढ़ा था बाय इंसेक्ट, इस तरह पोलिनेशन होती है बाय इंसेक्ट, इसी तरह ना बीज जो है सीड्स हैं वो भी स्कैटर्ड होते हैं जिसे, बाय द इंसेक्ट्स, बाय द विंड, और तीसरा तरीका हमने पढ़ा था ब्रस्ट, जो धमाका सा होता है खुश्क होने के बाद, धमाका सा होता है और बीज दूर 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 फैल जाते हैं। बेटा ये आपका टेस्ट योर सेल्फ आपका कंप्लीट हो गया बेटा, पेज नंबर 21 इसके आंसर आपको बेटा अटैच भी हो जाएंगे, आपने इसके वर्ड्स मीनिंग आपको बता दिया, मैंने छोटे छोटे से वर्ड्स मीनिंग है, तीन चार है। ठीक है, कफ्स, गुच्छा, एक्वांस, बलूट का फल, पोर्ट, हली, बीन, लोबिया, ब्रस्ट ओपन, चिटक की आवाज के साथ, धमाके के साथ खुलना, स्ट्रेस, दबाव। ठीक है बेटा, ये आपके चार पांच वर्ड्स मीनिंग है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या आपकी टेस्ट यूज है। ठीक है बेटा, बाकी चला कर पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।